हेलो फ्रेंड्स, CWK में आपका स्वागत है। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11 ज्योग्राफी का फिफ्थ चैप्टर, पार्ट नंबर थर्ड है नेचुरल वेजिटेशन। सो पार्ट नंबर टू में हमने डिटेल में देखा था वाइल्ड लाइफ के बारे में कि क्या होता है। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस प्रकार से कानून यहाँ पे बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, तो जो जीव जंतु हैं इनके रिगार्डिंग। सो डिटेल में देखते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया, सो 1972 में कॉम्प्रिहेंसिव वाइल्ड लाइफ एक्ट यहाँ पे बनाया गया था सरकार के द्वारा, जिसमें यहाँ पे एक मेन लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया गया था और यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है इंडिया में, जो जीव जंतु है, इनकी कंजर्वेशन और इनकी प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाया गया था। दो मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कानून में इंट्रोड्यूस किए गए थे। पहला तो था यहाँ पे कि यहाँ पे इनकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना कि जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है, मतलब कि जो यहाँ पे विलुप्त होने की कगार पे हैं जो स्पीशीज, उनकी लिस्ट तैयार की गई, वो एक जो क्या एक्ट बनाया गया उसमें इंट्रोड्यूस किया गया। और दूसरा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया कि यहाँ पे जो एक लीगल स्पॉट इन्हें प्रोवाइड किया जाएगा, जो इनके कंजर्वेटिव यहाँ पे एरियाज हैं, ठीक है, उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे, जैसे नेशनल पार्क, सेंचुरीज, क्लोज्ड एरियाज, सो इन सभी की सुरक्षा के लिए यहाँ पे ये भी कानून बनाया गया था। अब क्या हो रहा है कि आज के समय में जैसे पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं, फॉरेस्ट जंगलों को भी काटते जा रहे हैं लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, और लेकिन यहाँ पे जो जीव जंतु हैं इनको यहाँ पे कुछ भी नहीं समझा जा रहा है। सो ऐसे में ये क्या कर रहे हैं, इनका यहाँ पे घर उजाड़ कर हम अपना घर तैयार कर रहे हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पे ये जो जीव जंतु हैं ये क्या कर रहे हैं, ये सड़कों पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक्ट यहाँ पे बनाया गया था, अब इसी में यहाँ पे चेंजेस करे गए थे 1972 का जो बनाया गया था एक्ट, सो इसमें यहाँ पे चेंजेस करे गए 1991 में, और यहाँ पे जो ये कानून बनाए गए थे इन्हें और ज्यादा यहाँ पे स्ट्रिक्टली यहाँ पे पनिश करा जाएगा जो भी यहाँ पे इनकी उल्लंघना करेगा, मतलब जो भी यहाँ पे इनका शिकार करेगा, जैसे जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है, क्लियर है। अब जैसे यहाँ पे काला हिरन का शिकार जो सलमान खान के द्वारा किया गया था, क्लियर है, तो इस प्रकार से यहाँ पे स्ट्रिक्टली यहाँ पे पनिश किया जाएगा कोई भी है। सो यहाँ पे इसमें जो प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड की गई थी, जो स्पेसिफाइड प्लांट स्पीशीज हैं और जो यहाँ पे एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की, इन सभी को यहाँ पे ये कानून में संशोधन किया गया था 1991 में। सो इन्हें स्ट्रिक्टली पनिश किया जाएगा जो भी यहाँ पे इनकी उल्लंघना करेगा। सो यहाँ पे 103 नेशनल पार्क्स देखने को मिलते हैं इंडिया में, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं आज के समय में। सो यहाँ पे जो मेन पर्पस है यहाँ पे क्या है कि जो फ्लोरा और फाउना यहाँ पे इनकी कंजर्वेशन के लिए कुछ यहाँ पे सरकार के द्वारा स्टेप्स लिए गए हैं। सो ये किसके कोलैबोरेशन के साथ, यूनेस्को के कोलैबोरेशन के साथ यहाँ पे ये स्टेप्स लिए गए हैं, और यहाँ पे मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम चलाया गया है। यहाँ पे जो स्पेशल स्कीम्स हैं, अब जैसे प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चलाया गया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में चलाया गया था, सो इनके यहाँ पे जो स्पीशीज हैं अब इनके इन्हें कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो इनका हैबिटेट है, जो इनका प्राकृतिक निवास स्थान है, तो इसे भी यहाँ पे प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज यहाँ पे स्पेशल स्कीम्स चलाई गई थी। अभी लास्ट ईयर आई थिंक दिसंबर 2019 में या जनवरी 2020 में, सो यहाँ पे एक चीज और इंट्रोड्यूस की गई है, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ प्रोजेक्ट रीनो, जो एक सिंग वाला गैंडा होता है, ठीक है, इसे भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा गया है, ठीक है। आने वाले समय में ये भी आई होप आपके एनसीईआरटी में इसे इंक्लूड किया जाएगा, क्लियर है। सो ये भी याद रखना, जो रीनो होता है एक सिंग वाला गैंडा, सो इसे भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है जैसे टाइगर की, अब इनकी मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बनाए गए हैं क्या क्या हैं, जैसे इनकी साइंटिफिक एस्थेटिक, इनकी सौंदर्य के लिए, कल्चरल इकोलॉजिकल वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, और साथ में इन्हें प्रिजर्व करना इनके नेचुरल हेरिटेज को, ठीक है, इनका बेनिफिट बहुत ज्यादा है, जैसे एजुकेशन पर्पज के लिए, लोगों के मनोरंजन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, अब जैसे जो चिड़ियाघर बनाए गए हैं लोग यहाँ पे पैसे खर्च के जाते हैं, ठीक है, उन्हें देखते हैं, तो इस प्रकार से प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। सो 44 टाइगर रिजर्व्स हैं आज के समय में, और जो एरिया कवर करते हैं 36,988.28 स्क्वायर किलोमीटर, ये इतना एरिया यहाँ पे कवर करते हैं। तो टाइगर पॉपुलेशन अगर इंडिया में देखी जाए तो आज के समय में 2020 का जो नया डाटा है उसके अकॉर्डिंग 2,967
सो वर्ल्ड का 70% यहाँ पे जो टाइगर्स हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अदर प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे शामिल किए गए हैं, जैसे क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट हिंगोल हो गया, और उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ हिमालयन मस्क डियर, ठीक है, ये भी सरकार के द्वारा ये लॉन्च किए गए हैं प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट हुंगल, ठीक है, ये किस प्रकार के, इस प्रकार के यहाँ पे हिरण होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो मस्क डियर, ये इस प्रकार के हिरण होते हैं, ठीक है, ये कैटेगरीज होती हैं। तो जो प्रोजेक्ट सरकार के द्वारा चलाए गए हैं। सो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे एक यूनिक और रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम है, जो मेनली टेरेस्ट्रियल और कोस्टल एरियाज जो होते हैं वहां पे पाए जाते हैं, और यहाँ पे इंटरनेशनली इन्हें मान्यता प्राप्त है यूनेस्को के द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो चलाए गए हैं। टोटल इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, और इनमें से जो 10 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उन्हें मान्यता दी गई है यूनेस्को के द्वारा। सो चलिए देख लेते हैं वन बाय वन। सो यहाँ पे जो टेबल है, यहाँ पे टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, इनमें से जो ये डार्क वाले हैं ये टोटल कितने, 10 है यहाँ पे, इन्हें यहाँ पे यूनेस्को के द्वारा यहाँ पे मान्यता प्राप्त की गई है। क्लियर है? सो ये आपको पता होना चाहिए। वीडियो को पॉज करके एक बार आप जरूर देख लेना यहाँ पे 18, ठीक है, और इनके यहाँ पे डेट ऑफ डिजाइनेशन, कभी इसे डिजाइन किया गया था, इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, किस किस स्टेट्स में है, तो ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, और साथ में यहाँ पे हिंदी में भी इंक्लूड किया गया। सो आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके जरूर देख लेना एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जब यूपीएससी की यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करेंगे तब आपको डिटेल में इनके बारे में पता चलेगा। सो यहाँ पे मैप है बायोस्फीयर रिजर्व, जैसे नंदा देवी हो गया, नीलगिरी हो गया, गोल्फ ऑफ मीनार हो गया, सुंदरबंस हो गया, ठीक है, मेनली यहाँ पे जो कोस्टल एरिया या टेरेस्ट्रियल एरियाज में ये मेनली देखने को मिलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स। सो आपकी बुक में जो क्लास प्लस वन एनसीईआरटी है, सो इसमें चार यहाँ पे डिटेल में दिए हुए हैं, सो इनको हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में देख लेते हैं। सो पहले जो 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स थे उनमें से पहला था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में, और इसे इस्टेब्लिश किया गया था सितंबर 1986 में किया गया था। टोटल एरिया जो कवर करता है ये 5,520 स्क्वेयर किलोमीटर यहाँ पे एरिया कवर करता है। सो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से यहाँ पे अलग अलग तरह के हैबिटेट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलेगी, जैसे कि कुछ ड्राई स्कर्ब्स हो जाएंगी, ड्राई एंड मॉइस्ट डेसिड्यूज हो जाएगा, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन शोलास देखने को मिलेगा, ग्रास लैंड स्वैम्प्स, ये सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। और यहाँ पे इसी के साथ में जो टू एंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज ये भी देखने को मिलेंगी, जैसे नीलगिरी तहर और लॉयन टेल्ड मेसैक, ठीक है, किस प्रकार के होते हैं। सो नीलगिरी तहर इस प्रकार का यहाँ पे होता है, ठीक है, लॉयन टेल्ड मेसैक इस प्रकार का यहाँ पे बंदर होता है, ठीक है। सो जैसे शेर की पूंछ होती है उस प्रकार से यहाँ पे ये बंदर दिखते हैं, क्लियर है? सो इसलिए यहाँ पे नाम रखा गया है इसका। सो यहाँ पे लार्जेस्ट साउथ इंडियन पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, पॉपुलेशन किसकी, एलिफेंट की, टाइगर की, गौर की, सांबर, चीतल, ठीक है, इन सभी की। सो किस प्रकार से होते हैं ये जानवर भी आप एक बार देख लो, जैसे गौर यहाँ पे इस प्रकार का होता है, ये सांबर इस प्रकार का होता है यहाँ पे, क्लियर है। और इसके साथ में यहाँ पे एंडेमिक और एंडेंजर्ड प्लांट्स की भी अलग अलग प्रकार के यहाँ पे स्पीशीज बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में, क्लियर है। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। सो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं। सो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में सिचुएटेड है, यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट भी कवर करता है, जैसे चमोली, अल्मोरा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट ये कवर करता है। सो यहाँ पे जो मेजर फॉरेस्ट टाइप देखने को मिलेगा वो टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलेगा बायोस्फीयर रिजर्व में। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्पीशीज देखने को मिलेगी, जैसे सिल्वर वीड हो गया, ठीक है, इस प्रकार से होता है, या ऑर्चाइड्स यहाँ पे इस प्रकार के होते हैं, रोडोडेंड्रॉन यहाँ पे इस प्रकार के होते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसके साथ में यहाँ पे जो बायोस्फीयर रिजर्व में रिच फौना मतलब जीव जंतु यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं, जैसे स्नो लियोपार्ड, ठीक है, ये टाइगर की तरह होता है, ब्लैक बियर, ब्राउन बियर,
मस्क डियर, स्नो कॉक, ठीक है, स्नो कॉक यहाँ पे इस प्रकार का होता है ये, गोल्डन ईगर, ब्लैक ईगर, ये सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो नेक्स्ट है यहाँ पे सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो यहाँ पे ये जो वेस्ट बंगाल का गंगा रिवर है उसमें जो स्वैम्पी डेल्टा है, ठीक है, वहां पे ये स्थित है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। सो यहाँ पे जो एरिया कवर करता है 9,630 स्क्वायर किलोमीटर, और यहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट, स्वैम्प्स और फॉरेस्टेड आइलैंड ये देखने को मिलेंगे। सुंदरबंस यहाँ पे होम, यहाँ पे घर है ये 200 रॉयल बंगाल टाइगर्स का, और यहाँ पे 170 बर्ड स्पीशीज से भी ज्यादा यहाँ पे, ठीक है, ये स्पीशीज है जो ये पाई जाती है सुंदरबन बायोस्फीयर में। तो नोट्स आपको बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर मिल जाएंगी, कमेंट सेक्शन में नंबर गिवन है, जैसे ही नोट्स कंप्लीट होंगे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। तो नेक्स्ट यहाँ पे गोल्फ ऑफ मेनार बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक है। तो यहाँ पे ये जो एरिया कवर करता है 1,05,000 हेक्टेयर्स, ठीक है, साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे वर्ल्ड का रिचेस्ट रीजन माना जाता है ये मेराइन बायोडाइवर्सिटी परस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग। सो मेराइन मतलब जो पानी से रिलेटेड, क्लियर है। सो बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे मेनली 21 आइलैंड के मिलके बना हुआ है, एस्चुरीज, बीच, फॉरेस्ट जो नियर शोर इन्वायरमेंट हो जाएगा, सी ग्रासेस, कोरल रीफ्स हो जाएगा, साल्ट मार्शेस, मैनग्रोव्स, ठीक है, मैनग्रोव्स इस प्रकार के होते हैं, कोरल रीफ्स यहाँ पे इस प्रकार के होते हैं, कोरल रीफ्स, क्लियर है, जो पानी के नीचे यहाँ पे ये अलग अलग तरह की वनस्पति पाई जाती हैं। सो इन्हें क्या बोला जाता है, कोरल रीफ बोला जाता है। तो इसके अलावा यहाँ पे 3600 प्लांट और एनिमल स्पीशीज भी पाई जाती हैं जो ग्लोबली एंडेंजर्ड, ठीक है, कैटेगरी में पाई गई हैं, जैसे सी काउ, ठीक है, इस प्रकार का यहाँ पे। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा पार्ट नंबर थर्ड। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे ज्योग्राफी का 4 चैप्टर होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का, वो भी कल अपलोड हो जाएगा, कंटिन्यू करेंगे हम जल्द से जल्द। क्लास 11 की आपको कंप्लीट कोचिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, कोचिंग की जरूरत नहीं है, नोट्स आपको बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर मिलेंगे। सो अपने आसपास सफाई रखें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे उगाएं, ग्रीन इंडिया की तरफ मूव करना यही हमारा लक्ष्य है। सो जय हिंद, हैव अ फैंटास्टिक डे।